हमारा जो सहयोग से संगठन, इस विचार के आधार पर जो सहयोग करके जो काम किया जाता है, आज नाना जी के विशेष रूप में उनकी याद करके एक नए कार्य की शुरुआत हमारे प्रकोष्ठ की ओर से हो रही है। मुझे विशेष रूप से ऐसा लगता है कि नाना जी के बारे में हम लोगों ने जितना कुछ उसका अध्ययन करना चाहिए था, समझना चाहिए था, उसमें और ज़्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता है। 1947 के पहले के देश की परिस्थिति और उसके बाद की परिस्थिति, इसका अगर हम चिंतन करेंगे तो 1947 के पहले हमारे विशेष रूप से लोकमान्य तिलक और आगरकर जी, इनके दोनों के विचारों में एक बड़ी मतभिन्नता और कॉन्ट्रावर्सी उस समय चल रही थी। तिलक जी कह रहे थे कि राजनीतिक स्वातंत्र मिलना चाहिए और आगरकर जी का कहना था कि सामाजिक सुधार पहले होना चाहिए, पर राजनीतिक स्वातंत्र हमको 1947 में मिला और हमारे देश में हमारे स्वराज्य की स्थापना हुई। 47 के बाद देश के भविष्य के दृष्टि से जो तीन विचारों की चर्चाएं होती रही, उसमें एक पूंजीवाद था, साम्यवाद था और समाजवाद था। 64 साल के बाद आज देश जिस कगार पर खड़ा है, तो हम सबको लिए इस बात के लिए देश में विवश किया है कि हम किस मार्ग से चलें। जागतिक स्तर पर जो परिस्थितियां हैं, उसमें लोग बड़ी अपेक्षा से हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं। मैं बीच में लंदन में था और लंदन के पार्लियामेंट में भी कुछ सांसदों के सामने भाषण भी हुआ, और जब भोजन के लिए सब इकट्ठा आए तो अलग अलग सांसद, वहाँ के उद्योगपति, बड़े बड़े लोग मुझे जो मिले, वो कह रहे थे कि इंडिया फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। और जब मैं अपने देश में आता हूँ तो कहीं भी चर्चा करता हूँ तो सब यही बोलते कि देश का कैसे होगा। देश के बाहर जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि इंडिया फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट, और देश के लोग कहते हैं कि कैसा होगा। आज ही रुपये का फिर से डिवेल्यूशन हुआ, रुपया डॉलर की तुलना में लगातार गिर रहा है। एफडीआई जो आ रहा था वो आना तो बंद हो गया, जो है वो देश के बाहर से निकल रहा है। देश की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी देश के बाहर जा रही है, और परिस्थिति ऐसी है कि पावर का भी शॉर्टेज है, इंडस्ट्रियों की हालत ख़राब है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और इन्फ्लेशन का जो रेट है वो फूड इन्फ्लेशन 18% तक गया था, अभी 10-12 तक घूमते रहता है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जिस प्रकार की बातें हमने सोची थी, जो योजनाएं हमने बनाई थी, उसके आधार पर गरीब और धनवान लोगों के बीच में जो रेखा कम हो गया ऐसा हमको लग रहा था, तो आज स्थिति ऐसी है कि गरीब और गरीब हो रहा है और धनवान हो रहे हैं। गाँव की हालत खस्ता है, और इसलिए इस परिस्थिति में देश के भविष्य में कौन सी नीति अपनानी चाहिए, ये स्वाभाविक रूप से हमारे चिंतन का विषय है। ज़्यादातर ये बात सच है कि राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक नेता, जैसे दत्तोबन जी कहते थे वैसे एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट इज नेक्स्ट इलेक्शन, वो 5 साल का सोचते हैं। और वे कहते थे जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में राष्ट्र के पुनर्निर्माण के बारे में सोचते हैं वो सेंचुरी टू सेंचुरी सोचते हैं। दुर्भाग्यवश आज स्थिति ऐसी हुई है कि राजनीतिक पार्टी और नेताओं के सामने सबसे अहम मुद्दा अगर कोई यही बना हुआ है कि उनको टिकट कैसे मिले और वो चुन कर कैसे आए और चुन कर आए वो लोग मंत्री कैसे बने। स्वाभाविक रूप से सभी राजनीतिक संगठन के सामने कम अधिक प्रमाण में ये समस्या है। नाना जी का उदाहरण जो हमारे देश के राजनीति में एक अलग उदाहरण है कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में काम करते समय वो सत्ता से दूर रहे, और उन्होंने इस बात का विचार अपने कृति से, केवल भाषणों से नहीं, कृति से लोगों के सामने रखा कि केवल राज नहीं समाज बदलना है। और उनके व्यवहार में उन्होंने ये बात आग्रह से रखी कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म,
राजनीति ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का प्रभावी अंग है, और इसलिए उन्होंने बार बार ये संदेश देने की कोशिश की कि राजनीति का मकसद केवल सत्ता कारण पावर पॉलिटिक्स तक सीमित न रहते हुए उसकी सही में परिभाषा राष्ट्र कारण, समाज कारण और विकास कारण में परिवर्तित होनी चाहिए, और उनके जीवन में इसी तरीके से वो काम करते रहे। और आज स्थिति ऐसी है कि जहाँ उन्होंने काम किया है वहाँ उन गाँवों में, चित्रकूट में अगर आप जाएंगे तो 500-550 गाँवों में जो काम उन्होंने किया उसका सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, जैसे कहा उसका अगर स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो निश्चित रूप में हम सब लोगों के मन में निश्चित रूप से इस बात का पता चलेगा कि गरीबी निर्मूलन के रूप में, बेरोजगारों को रोजगार देने के बारे में, और आज की आर्थिक भाषा में पर कैपिटा इनकम, जीडीपी और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट और हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स की भाषा में वहाँ कितना बदलाव आया है। और इसलिए उन्होंने ये कहा कि गाँव का विकास राष्ट्र का विकास। मैं तो नाना जी के जीवन से बहुत प्रभावित हूँ, और मुझे भी कभी कभी ऐसा लगने लगा था कि राजनीति में समय गंवाने से कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, और इसलिए मैं 7-8 साल से ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहा था। मुझे लगता है इसमें अब इस कल्पना को और विकसित करने की आवश्यकता है। जैसे रचनात्मक वृत्ति चाहिए, सामाजिक राष्ट्रीय कमिटमेंट चाहिए, विकास अभिमुख दृष्टिकोण चाहिए, और समाज और देश के लिए काम करने की प्रेरणा चाहिए, ये तो उनके मन में गुण थे ही। पर किसी भी राजनीतिक पार्टी को और नेता को और सरकार को अगर लॉन्ग टर्म पर यशस्वी होना है तो 5 बातें बहुत जरूरी हैं। 1 तो नेतृत्व चाहिए, क्रेडिबिलिटी यानी विश्वासार्हता चाहिए, साथ चाहिए, और उसके साथ साथ इच्छा शक्ति चाहिए और विजन चाहिए। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि यू कैन डोनेट बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। सदी का सबसे बड़ा कैपिटल है, और अगर विश्वसनीयता होगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और ये विश्वसनीयता होगी संस्कारों से, और संस्कार जो हमारे संगठनों में, पैतृक संगठन में हम सबको मिले हैं, उससे जिन व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है और जो एक जीवन दृष्टिकोण लेकर सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस विजन क्या है, इसका अध्ययन और चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं जब मंत्री था तो मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, फ्लाईओवर्स और सब काम कर रहा था। करीब 5 करोड़ मुझे सरकार ने दिए थे और मुझे 2-2.5 साल में काम पूरे करने थे, तो मैंने कॉरपोरेशन तैयार की और मैं कैपिटल मार्केट में गया, तो मुझे हमारे चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि आपको कौन पैसे देगा। तो कैपिटल मार्केट में टाटा को मिलेंगे पैसे, रिलायंस को मिलेंगे, आप सरकार के हैं, आपको कौन देगा। तो मैंने उनको कहा, मुख्यमंत्री को, कि नहीं मिलेगा तो हम फेल हो जाएंगे, पर एक अनुमति तो देकर देखिए। और हम लोग जब गए तब पहली बार 450 करोड़ हमने रेज करने के लिए गए थे, तो हमको 1180 करोड़ मिले, और देखते देखते मैं 4000 करोड़ रुपये 5 करोड़ के इक्विटी पर खड़ा कर सका, और 8000 करोड़ के काम 2.5 साल में पूरे हुए। तब मेरे ध्यान में एक बात आई कि क्रेडिबिलिटी जो है, विश्वासार्हता, कमिटमेंट, 2 चीज़ें अगर रहेंगी तो लोग विश्वास रखते हैं, और इसलिए नाना जी के जीवन में ये बात प्रमुखता में थी। उनका रास्ता साफ था, काम कौन सा करना है उसकी दिशा स्पष्ट थी, और गरीबी निर्मूलन करना और इसके लिए गांवों का विकास करना, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात उनके जीवन में ओतप्रोत से भरी हुई थी, और इसलिए उनके एक्सपेरिमेंट में वो पूरी तरह से यशस्वी हुए। मुझे लगता है कि एक बात उसके आगे जाने की आवश्यकता है कि ये काम जो लोग करेंगे उनको राजनीतिक पॉपुलैरिटी और सपोर्ट भी मिलता है, क्योंकि राजनीति में लोग जो है उनको आकर्षण के बिना काम नहीं करते। हमारा एक जेनेटिक और DNA ऐसा बना हुआ है कि हमको जब कोई बात हम हमारे एम्बिशन के लिए, आकर्षण के लिए, अट्रैक्शन के लिए करते हैं। मैं थोड़े से मेरे अनुभव से ये बताऊंगा कि मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां बहुत बड़े प्रमाण पर किसानों ने आत्महत्या की, और आत्महत्या करने के बाद परिस्थिति बहुत खराब थी, और नाना जी की मॉडल को मैं बहुत दिनों से देख रहा था। तो ये हम लोग कोऑपरेटिव में काम करते हैं तो सरकार हस्तक्षेप करती थी, तो हमने नया मॉडल तैयार किया, कुछ थोड़ा बहुत कोऑपरेटिव में करके
उसको पब्लिक लिमिटेड का मॉडल करके सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल तैयार किया। और मुझे ऐसा ध्यान में आया कि इसमें से गरीबों का फायदा तो होता है, परिस्थिति बदलती है। और आज स्थिति ऐसी हुई कि 10,000 युवाओं को रोजगार मिला और करीब आज की स्थिति में उसका राजनीतिक फायदा भी मिला और पॉलिटिकल इसमें भी वो कन्वर्ट हुआ। अभी जिला पंचायत हो, नगर परिषद हो, एमएलए हो, सब चुनाव में मैक्सिमम हम जीते जब अड़चन की स्थिति आती। और इसलिए हमने हमारे काम करने को जो दृष्टिकोण है उसको बदलने की आवश्यकता है। और इसलिए नाना जी से प्रेरणा लेकर जो बात उन्होंने कही कि सेवा प्रकल्प, विकास प्रकल्प, संस्कार प्रकल्प, शिक्षा प्रकल्प, जिससे हम समाज में अगर सेवा करेंगे तो जो गुडविल, जो क्रेडिबिलिटी और जो पब्लिक सपोर्ट हमको मिलेगा, जो आशीर्वाद मिलेगा, दुआएं मिलेगी, वो इतनी रहेगी कि आपको कटआउट लगाने की जरूरत नहीं होगी और स्टेशन पर और एयरपोर्ट पर आपके सत्कार के लिए आगे बढ़ो करके नारे दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोग आपके साथ आते हैं। और ये मार्ग जो है ये नाना जी ने अपने जीवन में सिद्ध करके दिखाया है। और इसी भाव से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन होगा, गरीबी दूर होगी, किसानों की स्थिति बदल सकती है, गांव का चित्र बदल सकता है, हम सब क्षेत्र में जा सकते हैं। इस देश का किसान बिजली तैयार कर सकता है, पेट्रोल डीजल तैयार कर सकता है, इस देश का किसान सब कुछ कर सकता है। हमारे जंगलों में जो नॉन एडिबल ऑयल सीड्स है उसमें हम लोग डीजल बना सकते हैं। ये सब कुछ होता है। मैं तो बायोफ्यूएल, एथेनॉल, बायोडीजल, सोलर एनर्जी पर काम ही करता हूँ। और आज मेरा विश्वास है कि गांवों का चित्र, अगर उसको सामाजिक संवेदनशीलता होगी और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का दृष्टिकोण होगा और विश्वासार्हता होगी तो सब मिलता है। विश्वासार्हता के आधार पर नथिंग इज इम्पॉसिबल। और इसलिए सब बैंक वगैरह आती है। इस बार हमें बैंकों ने 450 करोड़ रुपए कर्जा दिया और 250 करोड़ और कर्जा दिया है प्रकल्पों में काम करने के लिए। जब विश्वसनीयता होगी तो बैंक पीछे खड़ी रहती है, समाज पीछे खड़ा रहता है और गरीबी दूर हो सकती है। सत्ता के माध्यम से ये नहीं हो पाया। जो हम लोग कह रहे थे कि सत्ता परिवर्तन से समाज परिवर्तन होगा, ये फर्क जरूर है कि एक ने किया हुआ परिवर्तन और बी ने किया हुआ परिवर्तन जरूर उसमें फर्क है। पर जो आमूलाग्र और बेसिक परिवर्तन हम चाहते हैं उसमें हमारे में से एक एक व्यक्ति को नाना जी जैसा इंजन बनना होगा और हमको वहां जाकर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए काम करना होगा। हमारे इनिशिएटिव से, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग से, डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच से, कमिटमेंट से, सामाजिक संवेदनशीलता का परिचय देकर कंस्ट्रक्टिव विचार के आधार पर अगर हम काम करेंगे तो समाज भी बदलेगा और पॉपुलरिटी भी बढ़ेगी। पॉपुलरिटी ये बाय प्रोडक्ट है, अगर अच्छा काम करोगे तो होना ही है। और इसलिए हम बार बार ये कहते हमारे इसमें कि मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सत्वम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम। मुझे ऐसा लगता है कि आज के भविष्य में भी विज्ञान, तंत्र विज्ञान का आधार लेकर और हमारी जो संस्कृति, इतिहास, विरासत और मूल्याधिष्ठित राजनीति है उसका बेस बनाकर अगर हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, इसको प्रोत्साहन देकर गांव, गरीब, मजदूर, किसान, गरीब व्यक्ति को केंद्रित मानकर, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय के विचार में जो बात कही उसको केंद्रित मानकर अगर हम इस प्रकार की प्रेरणा लोगों, कार्यकर्ताओं के मन में निर्माण करते हैं तो जो आर्थिक स्थिति आज देश में हम देख रहे हैं उसको बदल सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो स्थितियाँ हम बदल सकते हैं। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी ये इम्पॉसिबल कंसेप्ट नहीं है, ये पॉसिबल है, हम इसको बदल सकते हैं। बेरोजगारों को रोजगार दे सकते हैं और गरीबों को सम्मान से जीने का मार्ग दिखा सकते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमको राष्ट्रवाद के विचार की नींव दी। दीनदयाल जी ने अंत्योदय के रूप में सामाजिक आर्थिक चिंतन को हमारे सामने रखा और दीनदयाल जी के विचारों के आधार पर नाना जी ने रोल मॉडल के रूप में इस बात को हमारे सामने रखा। इसमें और रिसर्च और ये करके आगे जाने की आवश्यकता है। मैं कुछ दिन पहले आनंदपुर साहिब में गया था और पंजाब सरकार ने एक बहुत सुंदर वहाँ पांच ऐसे टॉवर्स थे और एक बहुत सुंदर कलाकृति वहाँ बनी। एक अमेरिकन आर्किटेक्ट है, उन्होंने डिज़ाइन किया है और पांच बिल्डिंग बनी है पंचप एरे के नाम, उसके प्रतीक के रूप में।
और वहां एक एक मजले पे ऐसा ऊपर जाकर लाइट एंड साउंड शो में 500 सालों का सिखों का इतिहास देखने के लिए मिलता है। बहुत सुंदर किया। मुझे भी लगता है कि एक बार स्वाधीनता के पहले और उसके बाद में संघ और उसके बाद में अभी तक के हमारे सामाजिक आर्थिक चिंतन और सब हुई घटनाओं के बारे में कोई जीता जागता इतिहास नई पीढ़ी को देखने के लिए मिलना चाहिए। मैं इमरजेंसी में कार्यकर्ता बना 75 में, पर मेरे लड़के को इमरजेंसी पता नहीं है। उसको पता ही नहीं, क्योंकि मैं तो उस समय स्कूल में था, पहली बार मैट्रिक की परीक्षा दे रहा था जब इमरजेंसी लगी। पर मैंने थोड़ा बहुत उस समय देखा तो मुझे थोड़ा याद है। पर आज ऐसी जो नई पीढ़ी है जो हमसे मेरे से भी आगे की, उनको पता ही नहीं है। और इसलिए भविष्य अगर निर्माण करना होगा तो ये नई पीढ़ी को सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण के साथ समाज और देश के परिवर्तन के अनुरूप राष्ट्रीय दृष्टिकोण की भी शिक्षा देनी होगी, दृष्टि देनी होगी। और नानाजी यही उसी का रोल मॉडल हो सकते हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि जितना नानाजी को हमारे कार्यकर्ताओं ने गंभीरता से लेना चाहिए था, उसमें मुझे लगता है कि हमने उसमें और ध्यान देकर उसमें और ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसलिए हमने अंत्योदय का हमारा काम शुरू किया। अब उसमें 3,500 कार्यकर्ताओं के प्रकल्प शुरू है। परसों मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर गया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने एनजीओ की कॉन्फ्रेंस ली थी और 40,000 एनजीओ इकट्ठा हुए थे, एनजीओ की नीति बनाई और उन्होंने वाटर कंजर्वेशन हो अलग अलग विषयों में बहुत अच्छा काम समाज के लोग कर रहे हैं। और इसलिए केवल भगवान और सरकार दोनों देश में परिवर्तन नहीं कर सकते, इन तीनों से है हम हमारा परिवर्तन कर सकते हैं। वी आर द आर्किटेक्ट अवर ओन सोशो इकोनॉमिक लाइफ। हमारे जीवन को हम बदल सकते हैं। और नानाजी जैसे महान नेता ने अपने जीवन में बहुत ही कठिन जगह जहाँ ऐसी जगह पर जाकर ये परिवर्तन करके दिखाया। और ये प्रेरणा कार्यकर्ता तक अगर पहुंचती है तो मुझे लगता है कि देश के हित में जिस विचारों के अनुरूप हम काम कर रहे हैं उसमें और अच्छा परिवर्तन होगा। अश्विनी जी और हमारे सभी कार्यकर्ता जो सहयोग में काम कर रहे हैं उनके पीछे यही भावना है। और यही भावना जो है, ये भावना लोगों तक पहुँचाने की कोशिश है। मुझे लगता है कि इसको और प्रभावी रूप से कार्यकर्ताओं के पास पहुँचाने का काम इस प्रकोष्ठ के द्वारा होगा। जो वेबसाइट हुई है, तैयार हुई है, उसका भी उद्घाटन हुआ ऐसा मैं जाहिर करता हूं। और हृदय से इस कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मेरा विश्वास है कि हमारा ये प्रकोष्ठ निश्चित रूप में अनेक कार्यकर्ताओं को जीवन दृष्टिकोण ऐसी प्रेरणा देने में कामयाब होगा। धन्यवाद।